नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आई है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। 79 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से परवेज मुशर्रफ बीमार चल रहे थे और आखिरकार वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। आपको बता दें, कुछ वक्त पहले एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी, हालांकि ये खबर फेक थी। खबर उनकी मौत से जुड़ी हुई थी। पहले भी ये खबर सामने आई थी, लेकिन उसके बाद परिवार ने आगे आकर इन सभी खबरों को दरकिनार कर दिया था। लेकिन इस बार अफसोस, ये खबर सच साबित हुई, क्योंकि जो परिवार है परवेज मुशर्रफ का, उसने इस खबर की पुष्टि कर दी है और साथ ही साथ पाकिस्तान के मीडिया ने भी इस खबर पर मोहर लगा दी है। आपको बता दें, पाकिस्तान की जियो न्यूज ने इस बारे में जानकारी दी है, जिसके मुताबिक जनरल मुशर्रफ ने लंबी बीमारी के बाद रविवार को दुबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि परवेज मुशर्रफ अमाइलॉयडोसिस नाम की एक बीमारी से जूझ रहे थे। बेहद गंभीर बीमारी है, लंबे वक्त से उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स कड़ी मेहनत कर रहे थे कि उनको बचाया जा सके, लेकिन अफसोस खबर ये आई कि उनको बचाया नहीं जा सका और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। आपको बता दें, जिस दौर में वो इस बीमारी से गुजर रहे थे, कई बार उनको वेंटिलेटर पर रखा गया, कई बार उनका इलाज चला, लंबे वक्त से वो अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन आज अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि उनका निधन हो गया है। आपको यहां पर एक और बात की जानकारी देते चलें कि परवेज मुशर्रफ का सीधा सीधा कनेक्शन भारत से था। जी हाँ, भारत में ही उनका जन्म हुआ था। इस वक्त जो देश की राजधानी है दिल्ली, यहां पर 11 अगस्त 1943 को परवेज मुशर्रफ का जन्म हुआ था, लेकिन 1947 में उनके परिवार ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया था। विभाजन के महज कुछ दिन पहले ही उनका पूरा परिवार पाकिस्तान पहुंच गया था और इसीलिए उन्हें पाकिस्तानी के तौर पर जाना जाता रहा है।